Hey guys, this is Tamoghna Ghosh from MIMS New Delhi. तो एज यू नो आई एम इन कोरा और कोरा पे रिसेंटली मेरे पास काफ़ी सारा मैसेजेस आया रिगार्डिंग वन टॉपिक कि हाउ टू मेक अवर डेज मोर प्रोडक्टिव. अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो और ज़्यादा कैसे पढ़ूँ, तो मैं सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो ही बना देता हूँ. तो आज का वीडियो टॉपिक यही है कि हाउ टू मेक अवर डेज मोर एफिशियंट, मोर लॉन्ग लास्टिंग, मोर प्रोडक्टिव, मोर रिटेंटिव. एंड गाइज, बाय द वे, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. डू प्रेस द रेड सब्सक्रिप्शन बटन एंड द बेल आइकन, द नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज मिस ना हो एंड यू आर थॉरली बेनिफिटेड. तो देखो, शुरू करते हैं कि हाउ टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव. वट इज़ प्रोडक्टिविटी? सपोज आप कुछ कर रहे हो, सब उसका वैल्यू 80 है, उसको हम 100 तक कैसे ले जाए. जो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं ना, कार्नोट इंजन, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, 1 - T2/T1. लेकिन वो एफिशिएंसी कभी अटेनेबल नहीं होता है. लेकिन हम उसका कितना नज़दीक जा सकते हैं, जो इंजन उसका जितना नज़दीक जाएगा वो इंजन उतना अच्छा होगा, राइट? तो इसको ही हम हमारे लाइफ में अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो देखो, सबसे पहले हमको डिस्ट्रैक्शंस हटाना है. डिस्ट्रैक्शंस कैसे हटेगा? इट्स अबाउट प्रायोरिटीज. इसमें मैं वीडियो भी बना चुका हूँ हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, तो वो एक बार देख लेना. तो पहले प्रायोरिटाइज करो अपना गोल्स को. आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, वो डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रायोरिटी सेट करो, ठीक है? तो ये है फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकंड रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन. ये मत सोचो कि मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा काम कर लूँगा फिर मैं दूसरे दिन ऐश करूँगा. ये ऐसे एडिटिव नहीं होता है, ठीक है? इसका बहुत सारा घाटा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज आप डिसिप्लिन हो, आप हर एक दिन मेहनत करते हो, अब हर एक दिन 8 घंटे पढ़ते हो, ठीक है? तो एक हफ्ते में आप कितना घंटा पढ़ो? 8 × 7 = 56 hours, राइट? अब देखो, सपोज आप सोचें कि मैं एक दिन में 8 घंटे नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई भी एक दिन उठा ले उस दिन में 16 घंटा पढ़ लूँगा, ठीक है? आप तो 16 घंटा पढ़ लोगे, उसके अगले 2 दिन आप सोते रहोगे, ठीक है? क्योंकि आप सोए नहीं थे और वो जो बॉडी का जो एनर्जी नीड्स होता है, आप इतना थकान होगा कि आप 2 दिन सोते रह जाओगे. और वो भी आप जो 16 घंटे पढ़े थे ना, वो भी आप पूरा एफिशिएंसी से नहीं पढ़ पाए होंगे, क्योंकि लास्ट तक आप थक गए होंगे. तो सपोज़ लास्ट का जो 4 घंटा है वो वैसे ही निकाल गया होगा, तो टोटल इफेक्टिव 12 घंटा पढ़े हो आप 3 दिन में. वेरस अगर आप डिसिप्लिनड हो तो आप 3 दिन में ईच डे 8 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन 8 × 3 = कितना है? अब सबको पता है 24, एंड 24 माई डियर फ्रेंड्स इज़ द डबल ऑफ 12. So this is the importance of discipline. This is the importance of consistency. ठीक है? हर रोज़ आप एक रूटीन फॉलो करो. वो आपके हिसाब से हो सकता है, कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है, कोई रात को पढ़ना पसंद करता है, वो अपने हिसाब से कर लो. आपको जो अच्छा लगता है वो करो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. लेकिन जो कर रहे हो वो आप रूटीन वे में करो, डिसिप्लिन वे में करो, हर एक दिन मेहनत करो. जैसे ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक एन ओशन, ये मैं पहले भी बताया हूँ वीडियोस में, फिर बता रहा हूँ. जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है वो बहुत छोटा है, लेकिन ड्रॉप्स मिला के एक ओशन होता है. स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ. एक ऐड आता है, ठीक है, वो दारू का ऐड है, बट उसका जो मैसेज है वो बहुत अच्छा है कि स्मॉल मिलाते जाओ, एफर्ट्स करते जाओ, अच्छा होगा, यू विल डू समथिंग बिग. तो मेरे को लगता है कि और अगर आप डिसिप्लिनड हो तो आप में एक हैबिट बन जाता है. ऐसा कहते हैं कोई भी चीज़ अगर आप कंटिन्यूस 21 डेज करोगे तो वो आपका हैबिट बन जाता है. तो अगर आप ये डिसिप्लिन वे में हर रोज़ पढ़ोगे तो देखो, पढ़ाई का ना एक आदत बन गया है. आपको कभी नहीं लगेगा कि स्टडीज इज़ अ बर्डन, अब मेरे को पढ़ने बैठना पड़ेगा, ओहो कितना तकलीफ, पढ़ना पड़ेगा. अब खुद पढ़ने लगोगे, यू विल एन्जॉय इट. और वेन अब जब आप एन्जॉय करोगे तब आपको कोई रोक ही नहीं सकता है.
आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे, बहुत अच्छा रैंक लाओगे, आपका बहुत अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। यही आप चाहते हो ना, तो क्यों नहीं कर रहे हो माई डियर फ्रेंड्स। आज से एक रूटीन बना लो, ठीक है, वो आपके हिसाब से बनाओ। सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, वो अब जब स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो वो तो आपके ऊपर है। अब जब कोचिंग जाते हो तो वो जो टाइमिंग्स है उसके हिसाब से आप एक एडजस्ट करके एक शेड्यूल बनाओ और वो हर एक दिन फॉलो करो। दैट विल मेक यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स, दैट विल help you in attaining success, that will help you in achieving your goal, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी है उसके एसिम्प्टोट तक जा सकते हो, ठीक है। तो आज से पढ़ो, अभी से पढ़ो, कुछ टाइम वेस्ट मत करो, बी प्रोडक्टिव, इट इज़ द टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। अभी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी करो, बाद में मत करो, अभी करो, बाद के मतलब डोंट लीव इट फॉर लेटर, डू इट नाउ, जो भी करना है अभी करो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियोस आप किस पे चाहते हो, आई विल बी हैप्पी टू मेक इट, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड डू स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। चलो टाटा, बाय बाय।